Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hello everyone. जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुप्रभात सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों, तो कुछ लंबा ट्रिप नहीं हो पा रहा है, तो अगर कोई ट्रिप होता है तो मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, संडे वनडे का जुगाड़ करता हूँ ट्रिप के लिए। रोड एम्बुलेंस, ये रोड एम्बुलेंस क्या होता है? अच्छा, सड़क पर चलने वाला एम्बुलेंस है क्या? पता नहीं, ये नया कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है रोड एम्बुलेंस का। आई डोंट नो व्हाट क्या है। आई होप आप लोगों को साफ सब कुछ दिख रहा होगा, क्योंकि यार रिकॉर्डिंग में सारा इस फ़ोन में, यार आईफोन में मेरा मसला है, वो सही से प्रॉब्लम हो जाता है, इसमें सही से दिखता नहीं यार। जैसे मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था इससे पहले, तो भाई बहुत ज़्यादा ही ब्राइटनेस थी यार, सैचुरेशन पॉइंट उसका इतना हाई था कि आई डोंट नो कैसे हो जाता है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। तो थोड़ा सा मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो एडिटिंग में, तो इसीलिए आप लोग को मैं ब्लॉग्स प्रॉपर नहीं दे पा रहा हूँ। मैं ट्राई करूँगा कि इन सब चीज़ों को जल्दी से निपटा दूँ, ताकि आप लोगों को मैं ब्लॉग अच्छे से दे पाऊँ। सब के लिए खर्चा पाई लगता है दोस्तों, तो देखते हैं। अभी तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ओ भाई 700, भाई ये कतई जहर गाड़ी है, इसके बारे में क्या ही बात करना। पावर है भाई, इससे पावर फील होता है। मेरे फ्रेंड के पास है, मैं ज़्यादा रहता हूँ, तो आपने बहुत सारे शॉट्स देखे होंगे मेरे, इसके बना के डालते रहता हूँ। चलो, तो आज जैसा कि आप देख सकते हो, ये बाइक जो है ना, लंबा अगर जाएगी ना तो मेरे को बड़ा मजा आएगा। मैं चाहता हूँ इस बाइक को मैं लंबा खींचूँ, मतलब मैं इससे ट्रिप करना चाहता हूँ, पूरे इंडिया का भ्रमण करना चाहता हूँ, पूरे इंडिया का। इससे दुनिया तो नहीं घूम पाऊंगा, बट हाँ इंडिया को मैं जरूर घूम लूँगा इस बाइक से। मतलब बस जेब में होनी चाहिए पैसे, वैसे ही होनी चाहिए पैसे। पैसे नहीं देंगे तो किसी कम चलेगा मित्रों। चलो मित्रों, तो आप लोग, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। या तब तक लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? जो भी जहाँ भी इस वीडियो को देख रहा है ना यार, उनसे रिक्वेस्ट है फटक से, सबसे पहले तो लाइक कर दो, सबसे पहले लाइक करो। अगर लाइक कर दी हो तो यार सब्सक्राइब कर दो या फॉलो कर दो, ठीक है? और अगर बातें करनी है तो इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, सब कुछ है दिया हुआ यार, आ जाओ। इंस्टाग्राम पे ज़्यादा मैं एक्टिव रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे तुम मुझे कर सकते हो। कुक अभी दिया हुआ है, कुक पे भी आ सकते हो, मैं कुक पे भी अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है? तो जो भी जहाँ भी है, जहाँ भी देख रहे हैं इसको, फटाफट आप लोगों को बस लाइक करना है, शेयर करना है, फॉलो करना है, ठीक है दोस्तों? शेयर। तो ये हमारा वही हमारे फटने का इंद्रधनुषी ब्रिज है, रेलवे क्रॉसिंग के लिए दिया हुआ। पहले वो गुमटी हुआ करता था, मतलब वहाँ नीचे पहले पास करते थे। तो आजकल इंडिया में क्या हो रहा है कि जब से ये रूल नया आया है ना, कि सारे गुमटी को ख़त्म कर देंगे, तो उसी के इतनी में ये काम चल रहा है, और इसमें यूटर्न का भी सवाल नहीं है। अखा देखा ना सुना, ओ भाई अखा देखा ना सुना, अखा देखा ना सुना, भाई जाम में पड़ गए, कोई बात नहीं, 2 मिनट निकल जाएंगे, ज़्यादा जाम नहीं है। जाम जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा है, मैं ट्राई करूँगा इसको कोप अप करने का। अखा यार, मास्क पहन के निकलना चाहिए गाइस, हेलमेट और मास्क, हेलमेट पहन लो जो ज़्यादा आवश्यक है, मास्क भी पहनो तो सही रहेगा, क्योंकि आजकल कोरोना का थोड़ा सा कुछ सही सीन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यार कोरोना से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉल्यूशन, प्रदूषण होता है, इस गाड़ी से भी होता है प्रदूषण, इस गाड़ी से भी होता है प्रदूषण, बट क्या कर सकते हैं इसके लिए, बस उपाय एक ही है, तुम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर लो। अगर पेड़ पौधा, जो भी बाइक ओनर है या जो भी कार ओनर है, अपने घर में यार थोड़ा सा स्पेस दो यार, एक गमले को स्पेस दो, एक से दो गमले को स्पेस दो, ठीक है ना? जो भी बाइक ओनर है या 2-व्हीलर ओनर और 4-व्हीलर ओनर की मैं बात कर रहा हूँ, जो ट्रक वर्क चलाते हैं उनको, तो भाई अगर वो गांव में रहते हैं तो प्लीज़ गांव में वो भी पेड़ पौधे लगाएं, ताकि आपके द्वारा जो कार्बन फुटप्रिंट्स स्टार्ट जनरेट हो रहा है वो कम हो जाए, दैट्स ऑल। तो चलो ठीक है, तो आज का
ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा राइड तो नहीं करने का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मास्क पहन के रखो, पेड़ पौधे लगाओ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को थोड़ा सा कम करो। एक आदमी अगर एक पेड़ भी लगाएगा तो वी आर वे अहेड। ठीक है, चलो गाइस, तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।